दसवीं की एग्जाम हो गई अभी क्या? ऐसा सवाल काफी पालक वर्गों को आता है, उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला प्रैक्टिस करता हूँ। हम काउंसिलिंग भी करते रहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, काउंसिलिंग के नंबर नीचे दिए हुए हैं। दसवीं के एग्जाम होने के बाद में अनेक पालक वर्ग जो है वो चिंता में रहता है कि अब इसके बाद में क्या करना है, बच्चों को क्या बनाने का है, क्या दिलाने का है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका करियर कौन से क्षेत्र में करना चाहिए, ऐसे काफ़ी सारे सवाल उनके मन में आते हैं। काफ़ी पालक वर्गों को पूछा तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, मतलब ऐसे कुछ ना प्रोफेशनल बनना चाहिए, आर्किटेक्ट बनना चाहिए, ऐसा उनको लगते रहता है। आजकल लोगों को ये मालूम होने लगा है कि नहीं, बच्चों को क्या चाहिए वो पूछो, बच्चों की क्या इच्छा है। यदि आप ऐसा देखते हो कि उनको पूछते हैं, देखते भी और पूछते भी कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, कहाँ तुमको मजा आता है, कहाँ पैशनेट है, क्योंकि यदि पालक वर्ग ने उनका कहना बच्चों के ऊपर थोप दिया, जबरदस्ती किया, फोर्स किया, उसकी इच्छा भी नहीं है और वो माँ बाप के लिए कर रहा है, तो आगे चल के वो सक्सेसफुल वैसा भी होगा नहीं। हमको ये देखना पड़ेगा कि उसकी इच्छा कौन सी इसमें, उस वो कौन सी इसमें पैशनेट है, और पैशनेट हमने कैसा समझना कि भाई पैशनेट है तो पैशनेट कौन से क्षेत्र में है। तो ये देखना है कि अपना बच्चा कौन सी चीज या कौन सी बात इसका, ये कहाँ टाइम बिताता है और कौन से टाइम में, मतलब वो टाइम में वो कौन सी बातें करता है, क्या काम करते रहता है, और वो बिल्कुल भूख प्यास बिल्कुल उसको सूझता भी नहीं है, याद भी नहीं आता और वो उसमें लगे रहता है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें उसको बोलना नहीं पड़ता कि तू ये कर, ऐसी कौन सी बात है उसको पीछे लगना नहीं पड़ता कि तू ये कर। तो हम यदि ऑब्जर्व करेंगे बच्चों को कि भाई कौन से एरिया में उसको बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है, और वो भूख प्यास भूल के उसमें वो पूरा का पूरा अपने आप को झोंक देता है, ढाल देता है और वो काम करते रहता है। फिर वो मैकेनिकल होगा, कोई फैशन डिजाइनर होगा, कोई आर्टिस्ट बनने वाला होगा, कोई गाना गाने वाला, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होगा, कुछ भी हो सकता है वो, कि जिसमें उसको बहुत मजा आ रही है। और जो क्षेत्र में मजा आती है उसको, जो चीज़ करने में वो मतलब भूल जाता है अपने आप को, टाइम भी उसको समझता नहीं है, ऐसा यदि कोई चीज़ है तो वो उसने क्षेत्र उसका चूज करना चाहिए और वो क्षेत्र में उसने जाना चाहिए। दूसरा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं माँ बाप कि भाई इसका कल कहाँ है, और एप्टीट्यूड के अलग 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 टेस्ट है, उसके साथ साथ आईक्यू टेस्ट किया तो बहुत ही अच्छा है। तो एप्टीट्यूड और आईक्यू टेस्ट हम कर लेते हैं तो उसमें हमको मालूम पड़ता है कि भाई इसका कल कहाँ है, इसने कौन सा क्षेत्र चूज करना चाहिए, है ना, किसका मतलब कौन से इसमें अपने अपना मत देना चाहिए और कहाँ अपने आप को कौन से इसमें अपने करियर करना चाहिए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी काफ़ी मालूम पड़ सकता है। तो ऐसे वो अलग टेस्ट है, वो टेस्ट देके भी पालक वर्ग अपने बच्चों को मालूम कर सकता है कि आगे करना क्या, मगर जितने जल्दी ये हो सका उतना अच्छा है। क्या है कि दसवीं पास होने के बाद में देखेंगे ये तो करना कभी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना। जितना जल्दी बच्चा चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में है, छठवीं में है, गोल्स यदि पक्के कि करना क्या आगे जाके, और उसके गोल्स पक्के तो बराबर उसमें फोकस कर दिया तो बराबर वो हिट कर सकेगा। मगर हम अभी हमारे पालक वर्ग क्या करते हैं, उसको डांस में भी भेजते हैं, कंप्यूटर में भी भेज देंगे, उसको आर्टिस्ट बनाने का इसलिए उसको चित्रकार बनाने का है कि चित्र सीखने के लिए उसको भेज देंगे, तो उसको और कोई एक आधी ट्यूशन लगा देंगे, फ्रेंच की ट्यूशन लगा देंगे, ऐसा कुछ सभी करते रहेंगे। तो उसको मराठी में बोलते कि एक ना धड़ भारा भार चिंध्या, मतलब एक भी काम पूरा करना नहीं और हर काम थोड़े थोड़े करना नहीं, एक में भी मास्टरी नहीं है, तो ऐसे करने में मज़ा नहीं है। एक लक्ष्य पक्का कर दिया जिसमें उसकी चाहत है, जिसमें वो समय भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है और वो अपने आप को झोंक देता है, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी इसमें रुचि है, वो उसको करियर चूज करने में मदद करो, वो उसमें डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। ये सभी पालक वर्गों को बहुत ही जरूरी है देखने का। ये ज़्यादा से ज़्यादा पालक लोगों को ये वीडियो शेयर करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन उसके ऊपर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।